हेलो एंड वेलकम टू शुभम हदीचा। मैं हूँ शुभम और आज हम लोग इस तरह बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के बारे में। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सीटेट एग्ज़ाम जो 2020 का होने वाला था 5 जुलाई से, उसको बेसिकली पोस्टपोन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो कब एग्ज़ाम होगा, सिचुएशन जब भी ठीक होगा तभी एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है आज ही दिन में, तो आप यहाँ देख सकते हैं एज नोटिफाइड अर्लियर द 14th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जुलाई 2020 शेड्यूल टू बी हेल्ड, जो 5/7/2020 से होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया है। कब होगा एग्ज़ाम, आप डेली बेसिस पर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिएगा और साथ ही साथ जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगा तभी उसका एग्जाम आपका जो है कॉन्डक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए, हाई CBSE हैज़ पोस्टपोन सीटेट जुलाई एग्जाम। CBSE पोस्टपोन द एग्जाम ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक इन इंडिया। द मूव इज टेकन कंसीडरिंग द सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, आपको हेल्थ के मद्देनजर रखते हुए कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और व्हाट इज द सीटेट न्यू एग्जाम डेट, CBSE हैज़ नॉट येट अनाउंस द न्यू एग्जाम डेट ऑन जुलाई 2020। द नेक्स्ट एग्जाम विल बी डेट आफ्टर द एनालाइजिंग द कंडीशन, कंडीशन का एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद जो भी डेट आएगा आपको बता देंगे। विल CBSE कॉन्डक्ट द सीटेट December 2020 एज पर द प्रीवियस ट्रेंड। द मोस्ट लाइकली CBSE विल कॉन्डक्ट द सीटेट डिसंबर एग्जाम इन दिस ईयर। हाउएवर दिस डिसीजन रिगार्डिंग द एडिशंस विल ऑल्सो बी मेड द कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, तो प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से जो आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर तक में होने वाला है। तो यही सब था, उम्मीद करता हूँ जो कुछ बताया गया आप समझ पाए होंगे। और कुछ भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वही चीज़ है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ सीटेट जुलाई 2020 एग्जाम कोविड-19 पैंडेमिक CBSE स्टार्टेड द 14th एडिशन सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट हु इज द शेड्यूल हेल्ड 5 जुलाई हैज़ बीन पोस्टपोन। ठीक है, तो वहाँ पर था, यहाँ पर भी बताया गया था लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ जो कुछ बताया गया मेरी तरफ से सब कुछ समझ पाए होंगे। इसी के साथ जो है समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।